मेरा नाम दामिनी है, मैं इस बार प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए खड़ी हो रही हूँ डूसू इलेक्शंस के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो हमें लग रहा है वो है कॉमन स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन। आप देखेंगे कि डूसू इलेक्शंस के अंदर जो कि स्टूडेंट यूनियन का एक इलेक्शन होता है, वहाँ पे ही स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लास्ट ईयर वहाँ रिप्रेजेंटेशन था एक ऐसे इंसान का जिसका डिग्री भी फेक था, अंकित बसोया का, तो यानी वो स्टूडेंट नहीं था। और जो लोग वहाँ पे अपना स्टूडेंट को आगे रिप्रेजेंट कर दे तो हुलिगन्स की तरह बिहेव कर दे, तो जो हुलिगन रिप्रेजेंटेशन है उसे नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट यूनियन के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसलिए हम अपील कर रहे हैं इस पर कॉमन स्टूडेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंटली। उसके साथ ही साथ हम चाहते हैं कि एक कॉमन स्टूडेंट अपनी पब्लिक एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें, लाइब्रेरी की फैसिलिटी अफोर्ड कर सकें, अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकें। इसलिए हम मेट्रो में भी कंसेशन मांग रहे हैं, हमने एक लंबा स्ट्रगल लड़ा था जिससे एसी बसेस के अंदर बस पास मिले। तो ये पब्लिक एजुकेशन के मायनों के अंदर ही मानते हैं कि वो उस कॉलेज कैसे पहुंच रहा है। हम चाह रहे हैं ज़्यादा जेंडर सेल्स, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमिटीज़, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे एकेडमिक डेमोक्रेसी हो, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे यूनिवर्सिटी का कल्चर जो फ्री डिबेट डिसेंट एंड डिस्कशन के लिए हुआ करता था उसको हम रिस्टोर कर सकें। और कैंपस के अंदर एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स को प्रमोट करें जहाँ पे अब स्टूडेंट बोलेगा। इस बार काफ़ी सारे लोग आईसर को इन्हीं मुद्दों के लिए सपोर्ट कर दें क्योंकि वो फेड अप हो चुके हैं हुलिगन पॉलिटिक्स से, वो फेड अप हो चुके हैं अनसेफ कैंपस से। इसी वजह से आई ऑल्सो बिलीव कि डूसू इलेक्शंस 12 सितंबर 2019 को सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये एक मैसिव स्टूडेंट मूवमेंट होने वाला है जहाँ पे सब स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर उन लोगों को हराएंगे जिन्होंने एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज, एंटी स्टूडेंट चीज़ें की है कैंपस के अंदर। तो इस बार डूसू इलेक्शंस के अंदर आयसा को काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है क्योंकि कॉमन स्टूडेंट परेशान है और अब वो कॉमन स्टूडेंट अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ के लिए बोलेगा। ठीक है, हाँ, ये जो हमारा स्ट्रगल है हमेशा से वो कंटिन्यू करेंगे हम कि हम कॉमन स्टूडेंट को अपील करें क्योंकि वही हमारा वोटर है। हमारा वोटर कोई लॉबी नहीं है, कोई कास्ट बेस्ड लॉबी नहीं है, हमारा वोटर कोई रिलीजन बेस्ड लॉबी नहीं है, हमारा वोटर एक कॉमन स्टूडेंट है जो सिर्फ चाहता है एजेंडा फॉर इशूज। तो हम अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे और एक कॉमन स्टूडेंट को अपील करेंगे, उसे बताएंगे कि क्या क्या फ्लॉस है अभी करंट मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स में, उसे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एजेंडास है, इशूज हैं, हम कैसे अपने रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही हमारा मीडियम होएगा क्योंकि कॉमन स्टूडेंट का मीडियम यही हो सकता है, हम ऐसी फीस या बड़े कार्स बोर्ड्स होर्डिंग्स नहीं यूज़ कर सकते, हम यूज़ कर सकते एक तरीका जहाँ पे हम सिर्फ अवेयर कर सकते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, बस यही हमारा तरीका होगा स्ट्रगल का। हाँ, डीयू में एक ही कमी ये रहा करती थी डूसू इलेक्शंस के वक्त कि मुद्दे कहीं ना कहीं छुप जाया करते थे क्योंकि एबीवीपी ने कभी एजेंडा इश्यूज नहीं उठाए, एनएसयूआई ने भी सेम ही करा, एजेंडा इश्यूज नहीं उठाए क्योंकि उन्हें लॉबी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, उन्हें उस तरीके का डर। हाँ, इस बार आप देखेंगे कि कैसे एबीवीपी ने इंस्टॉल किया था वीर सावरकर का मूर्ति, भगत सिंह का और बोस का मूर्ति। अब इसमें से वीर सावरकर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी और भगत सिंह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने वाई आई मैंने थीस्ट लिखा था, यानी कि वो दो लोगों का आइडियोलॉजी एकदम अलग था। और भगत सिंह एक ऐसे इंसान थे जिसने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर फाइट किया था, वो एक नेशनल फ्रीडम फाइटर रहे। बट आरएसएस का जो आइडियोलॉग वीर सावरकर, उसने तो एक्चुअली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को बिट्रे किया। तो ये एक बहुत ही घटिया अटेम्प्ट था, एक बहुत ही रॉन्ग अटेम्प्ट था जिसमें वो सावरकर को पेंट करना चाहते एज अ नेशनल फ्रीडम फाइटर, जो कि गलत है। हमें इस तरीके की आइडियोलॉजी को स्टॉप करना पड़ेगा, ये बिगेस्ट आयरनी था मेरे हिसाब से। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए लिंडो कमेटी के हिसाब से एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट है जो हम खर्च कर सकते हैं, पर आप देखेंगे बहुत बड़े बोर्ड्स बैनर्स जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता, इशू नहीं होता, एजेंडा नहीं होता, जहाँ सिर्फ एक पोलिटिकल पार्टी का नाम होता है और कैंडिडेट का नाम, उसमें कुछ और मैंशन नहीं होता। और आप देखेंगे ड्यू की सड़कों पर सड़क कम पेपर्स फैले होते हैं, लिटर कर दिया होता है उसको, कूड़ादान बना दिए होते हैं, तो एक्सट्रीमली गलत
गलत है। और ये भी चीज़ शो करते हैं कि कॉमन स्टूडेंट का पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि कॉमन स्टूडेंट तो इतना खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, हम तो उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं कि जितना यूनिवर्सिटी में आके पढ़ सकें। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस बार हम कॉमन स्टूडेंट का मॉडल को आगे लेके जाएंगे, हूलिगन पॉलिटिक्स और एक यूनिवर्सिटी को कूड़ा करकट बनाने का जो पॉलिटिक्स है उसको खत्म करेंगे। आप कहीं पे भी आइसा का कोई भी पर्चा ऐसे फेंका हुआ नहीं देखेंगे, एक छोटा सा पर्चा हमारा मैनिफेस्टो होता है जहाँ पे इश्यूज एजेंडास होते हैं। तो इसके हम स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं एबीवीपी एनएसओ जो कूड़ा करकट करती है, और हम खुद भी ये मानते हैं कि कम से कम यूसेज ऑफ पेपर के अंदर अपनी बात रख सकें।